अपनी ताकत बना लो हॉरिफिकेटर, और तुम्हें ताकत मिल जाएगी, और जल्द ही तुम मुझे भी ताकत दे सकोगे। हम अकेले ही रहे तो अच्छे हैं, हम ग्रुप से क्यों चिपक रहे हैं जब हम अकेले छुप सकते हैं। तो अब मेरे साथ चलो, कहीं छुपते हैं। ये देखो, कोई जानता है ये किसका है? ये एड्रियन का जूता है। अजीब बात है, यहाँ तो पिंक ब्लू है ही नहीं। हाँ है। तुम सब भागो, बचाओ। बात है, मजा आ गया। छी, क्या नाम है तुम्हारा उल्टी करने वाले? बिल्लियाँ खिलौने मेंढकों से नहीं डरती। हमें जल्दी उसके अकुमा को ढूंढना होगा। कुछ नजर ही नहीं आ रहा, नीलों तक गंदगी है। बचाओ! डर, डर से इसे ताकत मिल रही है। लोग उससे जितना डरेंगे उसे उतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी। डर को हराकर हम उसे हरा सकते हैं। ओके, पर इसके पहले कि यह सूख जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। जाना चाहती हो? एड्रियन, मुझे एक लड़की से प्यार है जिसका नाम है क्लोई। ये कैसा डरावना सपना है! सन बॉय आया है, नाइटमेयर लाया है। ये नाइटमेयर्स को सच कर रहा है। एक दिन मैं और क्लोई घर बनाएंगे और हमारे पास एक हैमस्टर होगा जिसका नाम होगा मैरिनेट। सैंड बॉय आया है, मैं तो भूल ही गई, मुझे टीकी को ढूंढना होगा। मैरिनेट सबसे सुंदर और सबसे प्यारी है क्लोई। नन्हा गेहूं का दाना सोता है, सुबह ब्रेड बनके वो उठता है। यम्मी, मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं बेकर को ही निगल जाऊं। अरे ये कैसा नाइटमेयर है! ये क्या हो रहा है? ब्लैक, उठो! ब्लैक, नहीं, तुम्हें मोचा किसने बना दिया? दोस्तों, सही टाइम आ गया है। मेरी बात सुनो क्वामिज, नूरू से बात करने का आज खास मौका है। हम सबको साथ मिलकर एक गाना गाना होगा। क्वामिज, गाना गाओ। Yeah!
मैरिनेट, मैं क्लोई को चाहता हूँ। नाटली, डैडी, कोई यहाँ पर है जो मुझे सुन सकता है? उसकी तड़प महसूस हो रही है हॉकमॉट। वो भूखा है, मिराकुलस के लिए भूखा। यम यम मिराकुलस। एक कदम आगे बढ़े तो मैं तुम्हारा मॉक तुमसे छीन लूंगी। तुम वाकई चाहते हो मैं तुम्हें खत्म करूं? सेंटी मॉन्स्टर अब आपका है हॉकमॉथ। मिराकुलस पहुंच से ज़्यादा दूर होने की मायूसी, मैं इस तरह को अच्छी तरह समझ सकता हूं। उड़ जाओ मेरे नन्हे अकुमा और सेंटी मॉन्स्टर को इविलाइज कर दो। फीस्ट, मैं हूं हॉकमॉट। तुम्हारे अंदर की भूख को सिर्फ मिराकुलस ही मिटा सकता है। उन्हें ढूंढ कर उनमें से हर एक को खा जाने की मैं तुम्हें ताकत देता हूं, लेकिन उनके मालिकों को खाने के बाद तुम्हें दो मिराकुलस मुझे लाकर देने होंगे, एक लेडीबग का और दूसरा ब्लैक कैट का। पर घबराओ नहीं, मेरा काम पूरा होते ही मैं उन्हें तुम्हें वापस लौटा दूंगा और पीकॉक का और मेरा वाला भी बोनस तुम्हें दूंगा। इस तरह तुम हर एक मिराकुलस को खा लोगे और तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। बोलो, सौदा मंजूर है? क्या बात, अब डिनर टाइम हो गया है फीस्ट। यम्मी मिराकुलस। मजे करो फीस्ट, वो तुमसे बचकर नहीं जा सकते। हमें उसके अमॉक को ढूंढना होगा। लेकिन इस सेंटी मॉन्स्टर के पास तो कोई सामान ही नहीं है। मुझे कवर दो। लकी चार्म। एक मेटल डिटेक्टर। आपने सेंटी मॉन्स्टर बनाया तो अमॉक को अपनी छड़ी में छिपाया था ना? बिल्कुल। क्या आपकी छड़ी किसी मेटल से बनी हुई थी? कुछ भाग हाँ। आपकी छड़ी सिर्फ दो ही जगह हो सकती है, जहाँ मॉनेस्ट्री थी या फिर। जल्दी माय लेडी, ये मेरी पूरी की पूरी स्टिक खा गया है। आप छिप जाइए मास्टर। क्या ये रोमांस करेगा टाइम में माय लेडी? छड़ी वापस पाने के लिए तैयार हो? ओह नो, ढंग से नहीं। वाह, बहुत बढ़िया फीस्ट। उन दो मिराकुलस को मेरे लिए अच्छे से संभाल कर रखना और बाकी का मजा तुम लोग बड़ी मेहनत से हासिल किया है। वाओ, अंदर से बहुत बड़ा है। मेरी स्टिक। ये क्या है? ये सब डाइजेस्ट कर रहा है क्या? ये जो भी खाता है हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाता है। तब तो हमें जल्द ही पता लगाना होगा कि मास्टर की स्टिक कहाँ है। अलविदा मेरे दोस्त वेज। इतने सालों तक मेरा साथ देने के लिए तुमसे अच्छा और कोई क्वामी नहीं होता। आपका क्वामी होना मेरे लिए गर्व की बात है मास्टर। मैं जानती थी छड़ी सलामत है, वरना सेंटी मॉन्स्टर गायब हो चुका होता। सोच समझ कर विश मांगना। कैटाक्लिज्म।
तुम्हारे डैड उस चीज जैसे हैं जिसका बाहरी हिस्सा कठोर है, लेकिन एक बार दूसरे दांतों से काटा तो अंदर से मुलायम महसूस होता है। यह थोड़ा सड़ा हुआ। ब्लैक, तुम बेशरम हो पर सही भी हो। थैंक यू। मैंने नहीं किया कसम से, मैंने कैटेक्लिज्म यूज नहीं किया। हाँ, वो क्या है? ब्लैक, क्लोज अप। की मदद से पृथ्वी को सूरज से दूर ले जाऊंगी। जल्दी ही दुनिया में हमेशा के लिए सर्दी छा जाएगी और इंसान बर्फ सा जम जाएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। वो वाकई ऐसा कर सकती है? शायद, पर घबराओ मत किटी, हम उसे पेरिस को बर्बाद नहीं करने देंगे। हे, ये तुमने काफी अच्छा कहा। हाँ, थोड़ा सा चेंज अच्छा होता है ना? ये लड़की कमाल है। उलझन हुई खत्म क्योंकि इस न्यूज में है दम। एस्ट्रोनॉट्स ने कंफर्म किया है कि हमारा प्लैनेट अपनी एक्सिस से हिल गया है और सूर्य से दूर जा रहा है। स्टॉर्मी वेदर पिछली बार से ज्यादा ताकतवर लग रही है, और ये सब उस बदमाश क्लोई की वजह से। तुम बेस्ट से भी बेस्ट हो, और लेडी बग इतनी बुरी है कि यहाँ आई ही नहीं। हे, चुप रहो, लेडी बग के बारे में इस तरह बात मत करो। फाइनली। हाँ तो क्लोई बुर्जुआ, अभी भी तुम्हें मेरा पावर एकदम रिडिकुलस लगता है? देखा, साबित हो गया कि मैं सही थी, विलेन तो हमेशा विलेन ही रहेगा। मुझे नहीं हरा पाओगे, मैं तूफान हूँ। आखिर हम हमेशा साथ रहे हैं, हम स्टॉर्मी वेदर से हार नहीं मानने वाले, है ना किटी? तुम हमेशा सही कहती हो बुगबू। सूरज से और दूर जाने पर पृथ्वी का टेम्परेचर कम होता जाएगा। तुम इस वक्त बाहर हो क्लारा, क्या हाल है वहाँ का? टेम्परेचर -40 degrees है नादिया। बहुत मुश्किल है, लेकिन लेडी बग और कैट नोआर ने अपने स्पेशल आइस सूट पहने हैं, इसीलिए वो स्टॉर्मी वेदर का मुकाबला कर सकते हैं। सब ठीक तो है क्लारा? तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा है। फ्रीजिंग टेम्परेचर से कैमरा क्रैक हो गया है, पर मुझे लड़ाई नजर आ रही है। सब ठीक है, आइस बग ने लकी चार्म को बुलाया है। उसके पास एक छोटा ऑब्जेक्ट है, वो शायद पेंसिल है। वो उससे क्या करने वाली है? कैट नोआर के पास एक कॉपी मशीन है, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा, पर लगता है कि लेडी बग फोटो कॉपी बना रही है। वाओ, जोर से बिजली चमकी। रुको, स्टॉर्मी वेदर हार गई। आगे देखो। ये वो नहीं है, एक स्टैचू है। देखो, असली पपेटियर के पास एक वांड है, याद है? तो इस पपेटियर ने ले लिया होगा और अकुमा भी वहीं पर होगा। ओके, तो स्टैचू स्टैचू वाला गेम कौन खेलना चाहेगा? हॉप स्कॉच भी नहीं खेलना है? मजाक बंद करो किटी, और पहले बच्चे की मदद करो। सच कहूँ माय लेडी, जितनी ज्यादा बड़ी मुश्किल होती है उतनी ज्यादा तुम मुझे लाजवाब लगती हो। ये कैसे कर लेते हो? क्या कैसे? मैं तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल हूँ, फिर भी मेरे लिए इतनी अच्छी बातें तुम आसानी से कैसे कर लेते हो, इतनी मुश्किल हालत में भी? क्योंकि जरूरी बातें कहना तो बहुत मुश्किल होता है ना? वही तो, जब कोई जरूरी बात हो तो उसे कहना भी जरूरी है, चाहे जो भी हो। वर्कशॉप चलो, वो वही होगी। समझ गया। ये कितना गंदा है। कुछ देर के लिए तो ब्रेक मिलेगा। रुक जाओ, पता नहीं बंद दरवाजे के पीछे क्या होगा, हमें तैयारी के साथ जाना होगा। लकी चार्म। एक कार्डबोर्ड ट्यूब, अब इसका मुझे क्या करना है? मैं पता लगा लूंगी, अब चलो। नीने नीने नीने, मेरे कई सारे दोस्त हैं, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं खेलना चाहता। लेडी बग, तुम भूल गई, हमेशा मेरा पार्टनर मेरे साथ होता है, कैट नोआर। अच्छा, कैट नोआर, लेडी बग को पकड़ो।
तुम्हें क्या हो गया है? ये तो स्टैचू है। साफ कर दिया और जो असली वाला है वो ये तुम्हारे सामने खड़ा है। ये कोई नया परफ्यूम है माय लेडी? ये खुशबू तो है वैक्स की। कैटाक्लिज्म! हुआ तुम्हारा ये खेल? वो मुझे दो। अब तुम मेरा वांड कभी नहीं चुरा पाओगी, मतलबी लड़की। उसको मेरा क्रिस ले लो। हाथ दूर रखो नकली लड़की। सिर्फ एक ही कैट उसका हाथ पकड़ने के लायक है। थैंक्स किटी। लकी चार्म का क्या करना है, कुछ पता चला? अब पता चल गया। छोड़ दो स्टैचू कहीं के। तुम्हारी हाथ तो पक्की है लेडी बग। कैट नोअर, मुझे इसके इयररिंग्स दे दो। कैट नोअर, मुझे इसके इयररिंग्स दे दो। क्या हुआ पपटिया? पता नहीं, मेरा वॉन्ड काम नहीं कर रहा। सरप्राइज, तुम्हारी वाली मेरे पास है। तुम हार गई पपटिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने मेरा वॉन्ड तोड़ दिया तो मैं इन्हें असली बैग स्टैचू बना दूंगी। नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी वॉन्ड तुम्हें वापस देती हूँ। वो क्या है? हे, अगर तुम असली हो तो इसका मतलब ये है कि देर हो गई। नहीं!